पहले हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कॉमन है उसके बाद हम जो टॉपिक्स जो डिफरेंट है उनको पढ़ेंगे ठीक है टूडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अवर कंप्यूटर सीरीज़ वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर अगर कंप्यूटर वर्ड को ही आप डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में कंप्यूट प्लस ई आर कंप्यूट का मतलब ही कैलकुलेट करना होता है और ई ER आर का मतलब क्या हो गया अ डिवाइस वो डिवाइस जो कैलकुलेट करती है उसको क्या बोलेंगे कंप्यूटर बोलेंगे वैसे आपको इन द मॉडर्न डेज हमें सबको कंप्यूटर हमने देखा हुआ है सबके पास मोबाइल होते हैं मोबाइल भी कंप्यूटर की फॉर्म है नोट पैड होता है लैपटॉप होते हैं पर्सनल कंप्यूटर होते हैं लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है टीवी भी आपका कंप्यूटर है ये सब कंप्यूटर है सिंपल में आपको अगर इन द दर्ड में आपको एक डायग्राम में समझाऊंगा आप किसी भी चीज को कंप्यूटर बोल सकते हैं अगर उसमें आप कोई इनपुट दे रहे हैं प्रोसेस हो रहा है उसके बाद आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे आप उसको कंप्यूटर बोलेंगे जैसे मैंने आपको कहा टीवी टीवी में आप क्या कर रहे हैं इनपुट दे रहे हैं उसमें प्रोसेस हो रहा है और आपके पास आपको चैनल डिस्प्ले हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे आप कंप्यूटर बोलेंगे ठीक है कैलकुलेटर मैंने बोला आप उसमें इनपुट दे रहे हैं एडिशन कर रहे हैं इक्वल टू में बाद उसके बाद बाद उसके रिजल्ट रिजल्ट आपको आपको क्या मिल 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 रहा रहा है 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 एडिशन होने के फाइनल या फिर आउटपुट रही है, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे कंप्यूटर बोलेंगे ठीक है अब देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मे बी ये जेके एस एस बी में आ सकता है क्वेश्चन की कंप्यूटर किस वर्ड लैटिन वर्ड है ये लैटिन वर्ड किस वर्ड से, से आया हुआ है कंप्यूटेर कंप्यूटेर से आया हुआ है कंप्यूटर और कंप्यूटर का मतलब भी क्या होता है कैलकुलेट करना ठीक है अब हम डेफिनेशन देखते हैं कंप्यूटर की क्या होती है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव इनपुट स्टोर आउटपुट इन डिजाइर्ड फॉर्मेट मतलब इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये थ्रू इलेक्ट्रिसिटी चलती है इसलिए इस डिवाइस को क्या बोला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला हुआ है डैट रिसीव इनपुट जो रिसीव मतलब आप अगर यूजर हैं आप अगर कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो उसमें आप कोई भी इनपुट दे रहे हैं जैसे सपोज मैं आपको बता दूं कैलकुलेटर को अगर हम लेते हैं या फिर हम मोबाइल को ले लेते हैं मोबाइल में आप कोई भी अगर आप अपने पेरेंट्स को या फिर या फिर किसी फ्रेंड को आप कांटेक्ट करना चाहते हैं कॉल करना चाहते हैं सपोज आपने वहां पे इनपुट क्या दिया आपने उसका नंबर डायल किया या फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके उसका नंबर डायल किया लाया वो आपका इनपुट था इनपुट के बाद आपने कॉल लगाया कॉल लगाने के बाद जब कनेक्ट हुआ वो प्रोसेस हुआ ठीक है सबसे पहले इनपुट दिया आपने इनपुट के बाद क्या हुआ आर प्रोसेस हमने क्या बोला प्रोसेस हुआ मतलब कॉल उसकी कनेक्ट हुई और वो कनेक्ट होकर आपने उसके साथ बात की लेकिन यहां पे मैंने स्टोर भी लिखा हुआ है कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है मे भी आपको कोई अपना फ्रेंड जो नया अनोन कोई पर्सन आपको मिल रहा है वो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा है सेव करने के लिए आप क्या करेंगे उसका कॉन्टेक्ट नंबर डायल करेंगे उसके बाद क्या करेंगे स्टोर करेंगे मतलब ये डिपेंड करेगा और प्रोसेस द इनपुट एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन जिस भी हिसाब से जो भी उसका यूजर यूज करे जो उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि मुझे स्टोर करना है उस डेटा को या फिर प्रोसेस करना है वो उस हिसाब से वो पीसी वो कंप्यूटर उसको यूज करेगा एंड प्रोवाइड्स आउटपुट और वो क्या देगा आपको एक डिजायर्ड आउटपुट देगा ठीक है अब आपको समझ आ गया इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव इनपुट स्टोर द इनपुट एज पर आउटपुट इन डिजायर्ड फॉर्मेट अब देखिए यहां पे मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है कंप्यूटर की मे भी हो सकता है जेके एस एस बी आपको यह भी क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं कि इन कंप्यूटर वर्ड टी स्टैंड फॉर ई स्टैंड फॉर इसलिए आपको पता होना चाहिए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च ठीक है तो कंप्यूटर है और यहां पे मॉडर्न कंप्यूटर यह भी आपको पता होना चाहिए कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड मॉडर्न कंप्यूटर देखिए सिंपली हम कंप्यूटर उसको बोलेंगे जो सिंपली कैलकुलेट करता है जैसे मैंने आपको बताया जो अर्थमैटिक ऑपरेशन भी मैं आपको आगे बताऊंगा अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से आगे एडिशन सब्सट्रक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन डिवाइड करना स्क्वेयर रूट निकालना क्यूब रूट निकालना उनको क्या करना जो वो काम करते हैं जो डिवाइसिस वो करते हैं उनको क्या बोलेंगे कंप्यूटर तो उन डिवाइसिस के मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे चार्ल्स बैबेज थे और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर वो कंप्यूटर हो गए जो कैलकुलेट से ज्यादा काम करते हैं मतलब जो आजकल आप यूज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप आजकल ब्राउजिंग कर रहे हैं YouTube यूज कर रहे हैं WhatsApp यूज कर रहे हैं Facebook यूज कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज यूज कर रही हैं हर जगह यूज हो रहा है मॉडर्न कंप्यूटर उनको मॉडर्न कंप्यूटर्स बोलते हैं जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं इन जो ये काम सारे कर रहे हैं उनको क्या बोले उनके फादर कौन थे, थे. से, से? हार्डवेयर मतलब टेंजिबल पार्ट टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं टेंजिबल हार्डवेयर में जिस भी कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को आप टच कर सकते हैं वो क्या आपका हार्डवेयर में आएगा उसको टेंजिबल जैसे मॉनिटर प्रिंटर कीबोर्ड माउस सीपीयू एटसेट्रा आप सब उन पार्ट को क्या बोलेंगे हार्डवेयर बोलेंगे और सॉफ्टवेयर बोलेंगे इंटेंजिबल पार्ट इंटेंजिबल पार्ट मतलब जिनको आप टच नहीं कर सकते आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको थोड़ा ब्रीफली में अगर यहां पे बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है इंटरफेस मतलब मीडिएटर है किसके कंप्यूटर के हार्डवेयर में हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है ये है कौन ऑपरेटिंग सिस्टम ये आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी कह सकते हैं लाइफ ऑफ द कंप्यूटर है ये क्योंकि ये परमानेंट प्रोग्रामड होता है जो प्री इंस्टॉल्ड होता है आपके पीसी में लैपटॉप में मोबाइल्स में प्री इंस्टॉल्ड होता है ठीक है इसको आप इरेज नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं

गूगल क्रोम में जाते क्या गूगल क्रोम को आप टच कर सकते हैं नहीं कर सकते आप उसको सिर्फ यूज कर सकते हैं उसको वो इंजन है सर्च इंजन है जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं उसके बाद फायरफॉक्स मोजिला ये सारे इंजन है जिनको आप टच नहीं कर सकते ये सॉफ्टवेयर है ठीक है और एंटीवायरस गेम्स एटसेट्रा इन सबको आप टच नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर के पार्ट में है और जिनको आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर के पार्ट में है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर या फिर कह लीजिए करेक्टरिस्टिक्स या फिर खासियत कंप्यूटर की आजकल हमारी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड होगी या कंप्यूटर पे क्या ऐसी उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह पे वजह से आज हम इस पर पूरा डिपेंड है अगर आप देखें इस लॉकडाउन के टाइम भी आपके अगर कोई यंगर ब्रदर या सिस्टर कुछ भी है ठीक है वो अगर घर पे उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थ्रू कंप्यूटर आप कुछ लॉकडाउन के टाइम कुछ भी अगर बाहर से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आइटम्स आप ऑर्डर कर सकते हैं सेफली घर पे बैठे हुए तो वो किसकी वजह से सिर्फ कंप्यूटर की वजह से ठीक है आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पीड इसकी बहुत हाई होती है नॉर्मली इसकी काफी ज्यादा स्पीड अगर मैं आपको इन कंप्यूटर टर्म्स बोलूं तो इट कैरी थ्री टू फोर मिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है पर सेकेंड में इतनी ज्यादा स्पीड होती है और एक्यूरेसी भी ऑब्वियसली इसकी बहुत हाई होती है और reliability. Reliability क्या आ गया कि जैसे आप क्या कर रहे हैं कोई भी चीज आ, अगर आप इसमें इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर में ठीक है कोई भी चीज input दे रहे हैं अगर तो मतलब रिलाई कर सकते हैं ये नहीं है कि आप इंस्ट्रक्शंस कुछ और दे रहे हैं वो कुछ और निकाल रहा है ठीक है ऐसा नहीं है वो बिल्कुल आंसर ही करेगा प्राइवेसी सीक्रेसी अगर आप लगा ले आप पीसी भी यूज करते हैं तो उसमें लॉग इन सिस्टम यूज करते हैं जिसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि आप अपना अपना जो डेटा है उसको प्राइवेट कर सकें वर्सटैलिटी वर्सटैलिटी में क्या आ जाता है कंप्यूटर आज आप घर पर भी यूज कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज में भी यूज हो रहा है रेलवे स्टेशन में भी यूज हो रहा है बैंक में भी यूज हो रहा है हॉस्पिटल्स में भी यूज हो रहा है और उसके बाद हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए सॉरी वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी यूज हो रहा है और एस्ट्रोनॉम एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए भी हम यूज करते हैं कंप्यूटर मतलब इसकी रेंज देखें आप कितनी है कि हम इसको हर जगह यूज करें इसलिए का मतलब हम काम करते हैं नॉर्मली हमारे जो वर्किंग आवर्स होते हैं नॉर्मली आठ घंटे के होते हैं दस घंटे के होते हैं बारह घंटे के होते हैं कुछ के पंद्रह घंटे के होते हैं लेकिन उसके बाद हम थक जाते हैं लेकिन कंप्यूटर आप ट्वेंटी फोर इंटू सेवन भी आप उसको काम करवाएंगे तो वो कभी थकेगा नहीं ठीक है उसकी क्या होती आप, आपके बस है आप उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ठीक है सपोज आप विंग से एक उड़ान की करते हैं। क्या उसके लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ती है नहीं वो उसको ऑलरेडी कंप्यूटर उसको कंफिगर कर लेता ऑलरेडी ठीक है और आप अगर सपोज कुछ भी आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं हार्डवेयर पार्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या आप उसको स, उसमें होती हैं। जो वो समझ आता है और उसको क्या करता है कॉन्फ़िगर करता है और उसको क्या कीजिए यूज कीजिए कंप्यूटर ठीक है कुछ स्टूडेंट्स को मे भी हो सकता है ये बहुत बेसिक्स लग रहा हो क्योंकि उनका बैकग्राउंड होगा कही न, कहीं ना कहीं कंप्यूटर का लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड नहीं है वो कॉमर्स बैकग्राउंड्स में होंगे कॉमर्स बैकग्राउंड होगा या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड होगा इसलिए हमने सबको देखकर चलना है ये एक ही लेक्चर होगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जिसमें ओवरव्यू सबको मिल जाएगा कि कंप्यूटर क्या है ठीक है अब देखिए ये मैंने थोड़ी बेसिक स्ट्रक्चर डायग्राम बनाई हुई है कंप्यूटर की आप इनपुट है इनपुट में मैंने यहां पे लिखा हुआ है डेटा जब आप इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट क्या दे रहे हैं डेटा वो डेटा क्या है अनऑर्गेनाइज्ड मतलब वो यूजफुल डेटा नहीं है जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर बताया था आप उसमें इनपुट दे रहे टू को मल्टीप्लाई करना चाहते कोई टर्म आपके पास एडिशन या वो तब तक यूजफुल नहीं है जब तक उसका आपको रिजल्ट नहीं चाहिए उसमें अगर एडिशन अगर एडिशन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो यूजफुल है आपके लिए ठीक है जैसे सपोज मैं अगर कहूं इन टू फिफ्टीन इज इक्वल टू डबल टू फाइव ये डेटा अनऑर्गेनाइज है यूजलेस है आपके लिए ये डेटा जो है आपको रिक्वायर्ड डेटा है ठीक है जो आपको चाहिए तो इनपुट में वो डेटा देते हैं आप जो होता है और यूजलेस होता है सपोज ये ठीक है और आउटपुट में जो आपको डेटा मिलता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मतलब जो ऑर्गेनाइज है जो यूजफुल है आपके काम है जो डिजायर्ड है आपको जिसकी जरूरत थी वो आपको मिल रही है उसको क्या बोलेंगे हम आउटपुट बोलेंगे ठीक है अब यहां पे देखिए सीपीयू सीपीयू की यहां पे मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है सीपीयू mm -hmm. को हम बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोल सकते हैं ठीक है ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू सीपीयू के अंदर मेनली थ्री पार्ट होते हैं अब देखिए ए सीयू और मेन मेमरी ठीक है एएलयू की भी डेफिनेशन मैंने आप सॉरी फुल फॉर्म लिखी हुई है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सी की कंट्रोल यूनिट ठीक है अब मैं यहां पे आपको थोड़ा में बता दूं कि इनपुट में जब आप यहां पे डेटा देंगे आप अपना डेटा इनपुट करेंगे इनपुट के बाद क्या होगा वो डेटा यहां पे प्रोसेस होगा प्रोसेस होने के बाद आपको वो आउटपुट में आएगा ठीक है अब यहां पे मैं आपको बता दूं अर्थमेटिक ए एल यू का काम क्या है सी यू का काम क्या और मेन मेमरी का काम क्या मेन मेमरी कह लें आप इसको या प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं इसको ठीक है मेमोरी आपको पता है यूजली दो पार्ट्स होते हैं मेमोरी के टू सॉरी टू टाइप्स ऑफ मेमोरी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी होती है जैसे जो वो सीपीयू के अंदर ही रिजाइड होती है वो उसके अंदर ही इंस्टॉल होती है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी इज द एक्सटर्नल मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क इज द सेकेंडरी मेमोरी ठीक है वो मेमोरी यहां पे कौन सी मेमोरी बोल रहा हूं मैं आपको

Than, to, to, जैसे करते हैं तब हम इनका वहां पे यूज करते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन यहां पे सारे क्या होते हैं प्रोसेस होते हैं ठीक है आपको समझ आ गया जब आपने और सीयू आपको सी यू क्या कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट का क्या हो गया ये सीपीयू के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है ठीक है और मेन मेमोरी क्या हो गया जो स्टोर करता है जब आप इनपुट देंगे इनपुट के बाद वो कंट्रोल यूनिट के पास आएगा डेटा डेटा उसको कंट्रोल यूनिट सेंट उसको ट्रांसफर करेगा सबसे पहले कहां पे मेमोरी में मेमोरी के बाद एलयू में जाएगा प्रोसेस होने के बाद वो क्या होगा आपको आउटपुट में आएगा ठीक है यहां तक आपको समझ आ गया नेक्स्ट अब देखिए बेसिक्स में मैं आपको बूटिंग भी बता दूं लास्ट टाइम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी

स्विचिंग ऑन पावर सप्लाई जब आप स्विच ऑन करते हैं फर्स्ट स्टेप ये होता है उसके बाद क्या होता है लोडिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम इनटू मेन मेमोरी मैंने आपको बताया जो प्री इंस्टॉल्ड होता है जो लाइफ ऑफ द कंप्यूटर होता है उसको क्या करता है ये लोड करता है कहां पर मेन मेमरी में करता है मेन मेमरी कहां पर होती है सीपीयू में होती है वहां पर आके उसको क्या करता है लोड करता है उसके बाद क्या काम होता है थर्ड स्टेप होता है कीपिंग ऑल एप्लीकेशन इन द स्टेट ऑफ रेडीनेस ठीक है मतलब आप जब कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल जब भी आप यूज ओपन करते हैं ऑन करते हैं उसको ऑन करने के बाद आप अगर व्हाट्सएप ओपन करके उसको टाइम लगेगा नहीं वो उसी टाइम तुरंत ओपन हो जाएगा क्यों क्योंकि जब उसका प्रोसेस होता है ऑन होने का उसी टाइम पे इसका काम होता है कि वो क्या करते हैं सब एप्लीकेशन को रेडी कर देते हैं कि जो यूजर है जो उसको उसी टाइम किसी टाइम भी अगर उसको क्लिक करेगा वो रेडी होगी ऐप

आप किसके साथ स्विच कर रहे हैं मोबाइल के साथ स्विच कर करें किसी ट्रांसफर कुछ डाटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर कंप्यूटर में लैपटॉप में कुछ आपको हार्डवेयर उसको इंस्टॉल कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो स्लो हो रहा है उसकी वजह से आप क्या करते हैं उसको रीस्टार्ट करते हैं रीस्टार्टेड और रीबूटिंग उसी को क्या बोलते हैं हम रीबूटिंग बोलते हैं मतलब बूटिंग सिंपली आपका ऑफ पड़ा हुआ कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी ऑफ पड़ा हुआ है आपका और आप उसको सिंपली ऑन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे बूटिंग और अगर आप उसको यूज कर रहे हैं यूज करने के बाद वो किसी भी रीजन की वजह से या फिर वो स्लो हो रहा है या फिर वो क्या हो रहा है कुछ भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं कुछ भी हो रहा है स्लो होने की वजह से क्या करेंगे उसको आप दोबारा ऑफ करके ऑन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भी क्या हो रहा है रीबूटिंग उसको बोलेंगे ठीक है टाइप्स ऑफ बूटिंग में कौन से आगे टू टाइप्स ऑफ बूटिंग होते हैं एक कोल्ड बूटिंग और उसके बाद वार्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग में क्या आया व्हेन द सिस्टम इज स्टार्टेड बाय स्विचिंग जब आप सिंपली स्विच ऑन करें उसको कोल्ड बूटिंग बोलेंगे और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा लोडिंग ऑफ बायोस यहां पे हमने पढ़ा था अलग कि लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को करता है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले भी एक काम होता है उसको क्या बोलते हैं बायोस बायोस में आपको यहां पे थोड़ा बता देता हूं पहले ये लिखा हुआ बायोस का मैंने द फर्स्ट प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट रन वेन द कंप्यूटर इज स्विस्ट ऑन देखिए बायोस और बायोस की फुल फॉर्म मैंने यहां पे नहीं लिखी हुई आप यहां पे लिख लें बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये बायोस की फुल फॉर्म है ठीक है अब देखिए बायोस का काम क्या होता है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर आप कंप्यूटर जब ऑन करें आप कंप्यूटर के, के अंदर ये प्रोसेस सब कुछ पता होना चाहिए वहाँ पे ये भी तो चीज होनी चाहिए क्या आपकी वहाँ पे रैम कनेक्ट है क्या यूजफुल कुछ भी ऐसे पार्ट्स माइक्रो प्रोसेसर हर चीज वहां पे अंदर है या कुछ भी पार्ट्स कुछ ऐसा पार्ट तो नहीं है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर ना स्टार्ट हो या कोई भी ऐसा हार्डवेयर या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो वहां पे वहां पे नहीं है उस वो वहां पे मौजूद नहीं है ठीक है जिसकी वजह से आपका स्टार्ट ना हो उसका वो देखने का काम किसका होता है वो बायोस का काम होता है जैसे आप ऑन करेंगे पहले बायोस हर चीज रैम चेक करेगा सीपीयू हर जगह को जाके करेगा हाँ हर चीज अपनी अपनी जगह और जाके ये इंफॉर्मेशन माइक्रो प्रोसेसर को देगा कि हाँ बिल्कुल सब जगह हर चीज अपनी अपनी जगह रेडी है कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है और वर्किंग कंडीशन में आ सकता है ठीक है ये किसका काम होता है बायोस का काम होता है क्या काम होता है द फर्स्ट प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ये क्या करता है पहले पूरा कंप्यूटर के अंदर देखेगा वो जाकर के हर पार्ट उसके रैम अवेलेबल है रोम है वहां पे हर चीज वहां पे पार्ट कोई भी ऐसा कोई भी पार्ट जो वहां पे ना मौजूद हो जिसकी वजह से कंप्यूटर को स्टार्ट होने में परेशानी हो वो चीज ये देखने के बाद क्या बोलेगा जाके माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा कि हाँ भाई सब कुछ वहां पे रेडी ऑन द स्टेट है आप रेडी स्टेट में तो आप उसको क्या कर सकते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है ये बायोस आ गया तो नेक्स्ट स्टेप बूटिंग में कोल्ड बूटिंग में क्या आ जाता है

ठीक है लेकिन जब आप रिस्टार्ट करते हैं तो उसमें बायोस दोबारा लोड नहीं होता है। इसलिए वार्म बूटिंग इज फास्टर देन कोल्ड बूटिंग यहां से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं बायोस की फुल फॉर्म में भी आ सकती है उसके बाद ये विच वन इज फास्टर आ सकता है रीबूटिंग में कुछ भी इनमें से कुछ भी आ सकता है ठीक है आपको ये आज हमने ये बेसिक्स ऑफ मैंने आपको कंप्यूटर करवाया जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ा है कुछ फैक्ट्स पढ़े हैं फादर ऑफ कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल डायग्राम देखिए वर्क फ्लो डायग्राम ऑफ सिंपल हमने देखा कंप्यूटर को देखे हमने बूटिंग देखा ये सारी चीजें हमने पढ़ी है इसको आप दोबारा रिवाइज कीजिए इसको पूरा नोट डाउन कीजिए रिवाइज करने के बाद जैसे ही ये मैं आपको टॉपिक कोई भी टॉपिक आपको कंप्लीट करूंगा पहले जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा ये आपका मेंशन तो नहीं है सिलेबस में लेकिन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब ये दोनों टॉपिक मैं कंप्लीट करवा लूंगा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेंगे करवाने के बाद मैं एक वीडियो उसके बाद इस टॉपिक पे एम जो भी होंगे जितने भी पॉसिबल एमसी होंगे मैं उसकी एक लेक्चर उसकी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एमसी प्रैक्टिस करेंगे और आप इसको रिवाइज करते रहें जितनी देर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे ये इजिली आपको लर्न हो जाएगा ठीक है बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है आप कर सकते हैं सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल बाय